मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। राजस्थान की सियासत लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है। राजस्थान में हमने देखा 2018 में सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े थे, लेकिन मुख्यमंत्री जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को बनाया गया। देखा गया कि इसके बाद दोनों के बीच सियासी जंग नजर आई। 2020 में सचिन पायलट के बगावती तेवर देखने को मिले और इसके बाद से ये जंग बढ़ती चली गई और इसका नतीजा ये निकला कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार गई। अब देखा जाए तो यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच सियासी जंग अब भी नहीं थमी है, क्योंकि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष का पद सौंपा गया है दिग्गज नेता टीकाराम जूली को, ऐसे में यहां पर एक बार फिर से दोनों के बीच की जंग उभर कर सामने आ चुकी है। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दरअसल आपको बता दें कि राजस्थान के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा बनाए गए, उनके कैबिनेट का गठन हुआ, विभागों का बंटवारा हो गया, लेकिन लंबे वक्त के बाद कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष पद आखिरकार किसे मिलना चाहिए ऐलान किया। 17 जनवरी को ये स्थिति साफ हो गई कि नेता प्रतिपक्ष के पद पर हैं टीकाराम जूली और एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बना दिया गया। आखिरकार टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष पद क्यों सौंपा गया, ये सवाल लगातार उठ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में सचिन पायलट रहे, गोविंद सिंह डोटासरा रहे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे, हरीश चौधरी रहे और ऐसे में इनका नाम चर्चा का विषय लंबे समय तक बना रहा, यहाँ तक कि शांति धारीवाल भी चर्चा का विषय बने रहे। लेकिन नया चेहरा आगे किया गया, एक दलित चेहरे को आगे किया गया जो है टीकाराम जूली। तो टीकाराम जूली के नेता प्रतिपक्ष बन जाने के बाद अब यूजर्स सवाल खड़े कर रहे हैं कि सचिन पायलट में पेशेंस लेवल इतना अच्छा है कि उसकी दाद देनी होगी। आपके सब्र को यहाँ पर हम सलाम करते हैं, लेकिन निराशा देखने को मिली जिस तरीके से टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया। इसके बाद से देखा जाए अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत के वे करीबी नेता हैं, इसी वजह से यहाँ पर उन्हें ये जिम्मेदारी मिली है। जानकारी दे दें कि पार्टी ने बीते मंगलवार को उनके नाम की घोषणा कर दी थी। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक हैं, 3 बार के विधायक और गहलोत सरकार के मंत्री रह चुके हैं। टीकाराम जूली दलित समाज से आते हैं और अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब यहां पर राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कहीं ना कहीं वो सियासी जंग अब भी नहीं थमी है। जिस तरह से सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ का प्रभारी बना दिया गया, राजस्थान की सियासत से बाहर उन्हें जिम्मेदारी दी गई, कांग्रेस राजस्थान कांग्रेस से किस तरह से उन्हें दूर किया जा चुका है, ऐसे में पायलट के समर्थक निराश हैं। तो राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की रणनीति थी कि सचिन पायलट गुट के किसी भी विधायक को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनने देना है। इस रणनीति में वह कामयाब रहे। अगर पायलट के गुट का कोई विधायक इस पद पर पहुंचता तो इससे गहलोत खेमे के लिए बड़ी परेशानी का कारण बन सकता था। टीकाराम जूली के नेता प्रतिपक्ष बनने का एक कारण यह भी है कि उनका दलित समाज से ताल्लुक भी है। तो ऐसे में यहाँ पर राजस्थान में दलित, आदिवासी, किसान और अल्पसंख्यक कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक है। तो अब यहाँ पर जिस तरह से दलित चेहरे को आगे किया गया है, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं और यहाँ पर देखा जाए राजस्थान में भी उन्होंने इस वोट बैंक को साधने के लिए उन्हें आगे कर दिया है, जिससे कि लोकसभा चुनाव में एक बड़ा फायदा मिल सके। लेकिन सचिन पायलट को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अब राजस्थान से बाहर निकाल कर दिल्ली की सियासत में कहीं ना कहीं एक्टिव किया जा रहा है। लेकिन यही देखना होगा कि वाकई में अशोक गहलोत अब भी मनमुटाव खत्म नहीं करना चाहते हैं पायलट के लिए, क्योंकि पायलट मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और जिस तरह से रघु शर्मा ने कहा कि पायलट ही राजस्थान का भविष्य है, यानी कि आने वाले समय में उन्हें मुख्यमंत्री पद के लिए आगे किया जा सकता है। तो ऐसे में पायलट को लेकर अब भी कहीं ना कहीं लोगों के मन में यही है कि आने वाले समय में पायलट एक बड़े पद पर नजर आ सकते हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।